इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर एसएमएस कंपनी को लेकर विशाल मोर्चा यहाँ के स्थानीय आमदार और जुझारू आमदार अगर कहे तो अबू आसिम आजमी जी यहाँ स्वयं इस मोर्चे को समर्थन देने के लिए और साथ में खड़े हैं। हम आज पूछना चाहते हैं अबू आसिम आजमी जी से, ये एसएमएस कंपनी ने जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि देश के सामने आपने आवाज उठाई विधान भवन में, उसके बावजूद भी आज भी एसएमएस कंपनी चल रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इस कंपनी को तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। जब रिपोर्ट है यहाँ पर कि यहाँ के लोगों के मरने की तादाद और जगह के बनस्पत बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उसकी कॉज में सबसे बड़ी कॉज इस एसएमएस कंपनी का धुआं है। और जब असेंबली में लक्ष्य समिति के माध्यम से कोई सवाल पूछा जाता है और जब मंत्री उसको उसका आश्वासन देता है तो वो समझा जाता है कि पत्थर की लकीर है, वो बात चलेगी नहीं। जब मंत्री ने मुझे कहा कि मैं आज एसएमएस कंपनी बंद कर दूंगा, जो 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन एसएमएस कंपनी एक दिन बंद हुई फिर चालू हो गई। दोबारा फिर उसी सवाल को उठाया गया, कई बार उठाया गया, 20 बार कम से कम मंत्री से मिल चुका, चीफ मिनिस्टर से मिल चुका, चिल्ला चिल्ला के गला फट गया। यहाँ हमारे नगर सेवक लोग, यहाँ की जनता चिल्ला रही है। अब जाकर इन्होंने एक लेटर दिया है उसको कि 15 दिनों में कंपनी को बंद करो। वो 15 दिन 21 तारीख को पूरा आ रहा है। मैं तो आज ही ताला लेकर आया था बंद करने के लिए, लेकिन पुलिस की बहुत बड़ी जमात खड़ी है और पुलिस वालों का कहना है कि साहब आप कानून हाथ में मत लीजिए। 15 दिन अगर सरकार ने कहा तो 15 दिन वेट कीजिए। मैं 21 तारीख तक इंतजार करने को तैयार हूँ। यहाँ की जनता कह रही है कि आसिम भाई आप 21 तक रुक जाइए। मैं जनता के इस कहने के ऊपर मैं 21 तक रुका हूँ। 22 तारीख को मैं फिर यहाँ आऊँगा और उस दिन मेरा अगर कंपनी बंद नहीं हुई तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। मैं जेल जाऊँगा और जेल में उस वक्त तक रहूँगा जब तक कंपनी बंद नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मुद्दा हमने देखा है बार बार विधान भवन में, किस तरीके से केवल एक आमदार रखता है जिसका नाम है अबू आसिम आजमी और जुझारू बात इन्होंने वहां पर रखा, उसके बावजूद भी आज भी एसएमएस कंपनी चल रही है। आने वाली 22 जुलाई को अगर एसएमएस कंपनी नहीं बंद होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आसिम भाई से पूछना चाहते हैं कि 22 तारीख को आप क्या कदम उठाएंगे? आर्थर रोड जेल में रहेंगे, जेल जाएंगे, मेरे नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन होगा। जितने लोग जेल चलना चाहें जेल जाएंगे और जेल में रहेंगे और सरकार अत्याचार सरकार को बताएंगे। जब जेल में रहेंगे तो मैसेज जाएगा सरकार को, आंदोलन बाहर होगा, हम जेल में रहेंगे तो कम से कम सरकार फिर उस वक्त जागेगी। ये रास्ता हमारे बचा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। टुडे इंडिया न्यूज में हमारे बीच अबू आसिम आजमी जी यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आए तो टुडे इंडिया न्यूज की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले 22 तारीख को जो यहाँ पर विशाल, अगर नहीं ये एसएमएस बंद होता है, विशाल धरना आंदोलन होगा, उसके साथ ही हम भी इनके साथ शामिल होंगे, यहाँ की जनता इनके साथ शामिल होगी। टुडे इंडिया न्यूज की तरफ से हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़ते रहिए टुडे इंडिया न्यूज मुंबई। बोला सिर्फ 2 से 3 महीने में आप अपना बंदोबस्त करो और इस कंपनी को यहाँ आरा लेकर चलता हूँ।